नमो नारायण जी, नमो नारायण जी, नमो नारायण जी। होलिका पर्व की आप सभी को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। खुशियों का त्योहार, रंगों का त्योहार, भाईचारे प्रेम का त्योहार, ऐसा विशिष्ट मुहूर्त इस होलिका के ऊपर दोस्तों कि आपको क्या उपाय किया जाए, किस दिन होलिका का मुहूर्त है, पूर्णिमा तिथि कब से कब तक है, भद्रा योग कब से कब तक रहेगा, होलिका दहन कब होगा, सर्वार्थ सिद्ध योग कब है, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। और अंत में एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिसको करने मात्र से जिन लोगों को नजर टोक लगती है, जिनके घर में बच्चे ज्यादातर रोते रहते हैं, जिनके घर में बारंबार तंत्र मंत्र इत्यादि की प्रॉब्लम्स आती हैं, उन लोगों के लिए जिनको बहुत ज्यादा टोक लगती है, अंत में उनके लिए भी एक बड़ा महा उपाय बताऊंगा। तो पूरा वीडियो ध्यान से समझिएगा दोस्तों। इस बार होलिका दहन का जो मुहूर्त है वो 24 मार्च को है। 24 मार्च को होलिका दहन मनाया जाएगा, होलिका का जो सबसे बड़ा मुहूर्त है, क्योंकि होलिका में जो पूर्णिमा तिथि है, पूर्णिमा तिथि की रात्रि को ही होलिका दहन किया जाता है। तो 24 मार्च को सुबह लगभग 9:56 से लेकर के और 25 मार्च को दिन में 12:30 तक पूर्णिमा तिथि पूरा दिन रहेगी। यानी 24 मार्च को जब प्रातः काल में आप देखेंगे मुहूर्त जो है, तो पूरा का पूरा जो 24 मार्च का दिन है वो होलिका दहन में विशेष रूप से मनाया जाएगा। लेकिन होलिका दहन के अंदर दोस्तों सबसे जरूरी चीज है वो रहती है भद्रा, क्योंकि भद्रा जो है वो सूर्य की पुत्री है और शनिदेव की बहन है। इन भद्रा जो होती है वो बहुत ही ज्यादा क्रूर मानी जाती है। तो भद्रा के समय में होलिका का दहन या कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। भद्रा का जो मुहूर्त रहेगा वो 24 मार्च को पूरा दिन सुबह 10:56 से लेके और रात्रि को 24 मार्च की रात्रि को 11:14 तक रहेगा। और होलिका दहन का इस बार जो अग्नि का मुहूर्त है, जो होलिका जलाते हैं जिसमें होलिका दहन किया जाता है, रात को 24 मार्च को 11:14 से लेके 12:15 के बीच में 1 घंटे का विशेष मुहूर्त रहेगा। नॉर्मली आप देखते हैं होलिका दहन लगभग 8:00, 7:00, 9:00 आता है हर बार, तो इस बार बड़ा लेट है थोड़ा, क्योंकि भद्रा के अंदर ये कार्य नहीं किया जाता दोस्तों। होलिका दहन के पश्चात अगले दिन बहुत ही सुंदर त्योहार होता है, रंगों का, खुशियों का त्योहार, वो रहता है आपका 25 तारीख को दुलंडी का मुहूर्त, रंगों का मुहूर्त। तो दोस्तों 25 तारीख को ही सबसे विशेष मुहूर्त रहेंगे, बुध योग, गणराज योग, सर्वार्थ सिद्ध योग, पूरा दिन शुद्ध योग है इन दोस्तों। इससे भी पहले एक सबसे जरूरी सूचना यह है कि इस बार 17 मार्च से लेके 24 मार्च के बीच में होलास्टक रहेंगे। होलास्टक जो होते हैं वो 8 दिन होते हैं, फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से ये शुरू हो जाते हैं और ये पूर्णिमा तक चलते हैं। तो दोस्तों ये 17 तारीख से 24 तारीख तक, जैसे कि विवाह शादी, गृह प्रवेश का मुहूर्त, नई गाड़ी खरीदने का मुहूर्त, कोई ऐसे काम जिंदगी के जो खास अहमियत रखते हों, वो कार्य आपको होलास्टक में नहीं किए जा सकते। तो इसलिए आपने कोई नया कपड़ा पहनना, वैसे रूटीन में जो घर में कोई किचन में सामान लेके आते हैं, घर में रूटीन में जो कार्य करते हैं उनमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आपकी लाइफ में जैसे शादी हो गया, मकान हो गया, नई गाड़ी हो गई, ये विशेष मुहूर्त होते हैं, तो इन दिनों के बीच में नहीं करने चाहिए दोस्तों। अंत में बताऊंगा कि आपको इस दिन चंद्र ग्रहण भी रहेगा, लेकिन चंद्र ग्रहण दोस्तों इंडिया के अंदर नहीं है, हिंदुस्तान में नहीं है, तो इसलिए चंद्र ग्रहण का किसी भी प्रकार का कोई सूतक दोष नहीं है और किसी भी प्रकार का कोई गर्भवती महिलाओं को डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों। इसके अलावा अगर जिन लोगों को नजर टोक बहुत ज्यादा लगती है, वो लोग क्या करेंगे, होलिका दहन में रात्रि को 24 तारीख को जब होलिका जहां जलाई जाती है, होलिका दहन किया जाता है, होलिका को मंगल किया जाता है, उस समय आपने सतनाजा लेना है। सतनाजा कितना, 7 मुट्ठी 7 अनाज लेनी है। 7 अनाज आप किसी भी पंसारी की, किराने की दुकान पे बोलेंगे 7 टाइप के मुझे अनाज दे दो। साबुत अनाज होते हैं, जैसे उसमें चना हो गया, मूंग हो गया, इस प्रकार से 7 प्रकार के अनाज रहेंगे। आप गूगल पे भी देख सकते हैं 7 अनाज कौन से, 7 अनाज एक मुट्ठी, एक एक मुट्ठी 7 मुट्ठी लेने हैं और अपने सिर के ऊपर से आपने 7 बार घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। घुमा के होलिका माता से प्रार्थना करके मेरा ऊपर जो भी तंत्र मंत्र रोग दोष बाधा है, रोग दोष है, वो उन्हें दूर करें प्रभु, प्रार्थना करके नरसिंह भगवान को,
और ओम नरसिंह देवाय नमः प्रार्थना करके, होलिका माता को नमस्कार करके, देवताओं को प्रार्थना करके, जलती हुई होलिका के अंदर वो 7 मुट्ठी अनाज 7 बार घुमा के ही डालना है आपने, ठीक है। अगर ऐसा करते हैं तो आपका तंत्र मंत्र दोष इत्यादि खत्म हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपने क्या करना है, होलिका की होलिका दहन के पश्चात में वहां पर आपको थोड़ी भभूति मिलेगी, जो जलाने के बाद जो राख बच जाती है, ऐश इसे बोलते हैं आप लोग, तो थोड़ी सी आप पुड़िया में डाल के ले आइएगा। जब कभी आपको लगे, वहम लगे, एंजाइटी फील हो, नेगेटिविटी फील हो, तंत्र मंत्र बाधा का कोई प्रकोप नजर आए, कोई और भूत प्रेत इत्यादि का कोई विचार मन में आए, ऐसे बहुत सारे लोगों को रहती है सी, आप लोग, आपको हो सकता ना हो लेकिन बहुत सारे लोगों को ऐसी समस्या होती है, तो वो जो होलिका दहन की जो भभूति रहेगी वो आपने अपने माथे पे लगानी है। कब लगानी, हफ्ते में 1 बार 2 बार तिलक लगा लिया करो, तो उससे आपका नजर तंत्र मंत्र दोष इत्यादि दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों ये छोटे छोटे उपाय और जीवन के अंदर आप करते रहिए, नारायण जी के साथ लगातार जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, ताकि आपको रेगुलर हमारे अपडेट्स, नए नए उपाय, नई नई बातें आपको जानकारी मिलती रहे। इसी के साथ आज्ञा दीजिए, फिर मिलते हैं। नमो नारायण जी, नमो नारायण जी, नमो नारायण जी।